हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकॉर्ट। जेके एजुकॉर्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जो आज की वीडियो रहेगी वो ओलंपिक गेम्स को लेकर रहेगी। ओलंपिक गेम्स का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने ओलंपिक के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया था। ओलंपिक की हिस्ट्री क्या रही है, ये कब से शुरू हुए है, प्राचीन ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में मैंने कंप्लीट बताया है। प्राचीन समय में कैसे ओलंपिक खेल खेले जाते थे, उसमें कौन कौन से खेल होते थे, उनको कब बंद किया गया, वो सब भी डिटेल्स हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। उसके अलावा जो है आधुनिक ओलंपिक गेम्स के बारे में भी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें हमने बताई है। अभी क्या है कि टोक्यो जापान में ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, जो कि 32वां ओलंपिक गेम है, जो 23 जुलाई को शुरू हो चुके हैं और 8 अगस्त तक चलेंगे। इस ओलंपिक गेम्स में क्या खास बात है, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, कोविड-19 महामारी को देखते हुए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, इसके कुछ नियम बदले गए हैं, वो सब जो हमने लास्ट वीडियो में यानी ओलंपिक गेम्स के फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया है। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, यानी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम पढ़ेंगे, कुछ रोचक तथ्य हम आज की वीडियो में कवर करेंगे जो ओलंपिक गेम्स को लेकर रहेंगे। हम उसको बारी बारी से सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। पहले हम प्राचीन ओलंपिक खेल जो होते थे, आधुनिक ओलंपिक खेल जो होते हैं, और भारत का हर ओलंपिक गेम्स में क्या परफॉर्मेंस रही है, उन सब के बारे में कुछ रोचक तथ्य, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये ओलंपिक्स के जो मैंने दो पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बल्कि अगर आप ओलंपिक के बारे में जानना चाहते हैं, ओलंपिक गेम्स के बारे में अच्छे जानना चाहते हैं, तो मेरी दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं ओलंपिक गेम्स का ये सेकेंड पार्ट। तो पहले हम देख लेते हैं कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और ये फैक्ट्स और फिगर जो बताए गए हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। तो शुरू करते हैं। ओलंपिक खेलों का जो इतिहास है, ओलंपिक खेलों का इतिहास देखा जाए तो इनकी शुरुआत आज से लगभग 2800 साल पहले हुई थी, यानी कि 776 BC में ग्रीस के ओलंपिया में हुई थी। ये खेल लगभग 12वीं शताब्दी तक जारी रहे, 776 ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये खेल जारी रहे। उसके बाद जो है सम्राट थियोडोरस ने क्या किया कि इन खेलों को मूर्ति पूजा का उत्सव करार देते हुए इनको 394 ईस्वी में बंद कर दिया। ये खेल जो है ओलंपियन देवताओं को समर्पित थे, वे अपने देवता के लिए खेल खेलते थे। मतलब कि ओलंपिक खेलों को 776 ईसा पूर्व से एक धार्मिक त्यौहार के रूप में मनाया जाता था, मतलब ये एक उत्सव की तरह इनको सेलिब्रेट किया जाता था। ओलंपिक ग्रीक देवता जियोस के लिए पारंपरिक रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार था। खेल का सबसे पुराना रिकॉर्ड 776 ईसा पूर्व में मिलता है। इस खेल के जो तथ्य है वो 786 ईसा पूर्व में मिलते हैं। तो ये पहला ओलंपिक खेल था जिसमें सिर्फ दौड़ को ही शामिल किया था। प्राचीन काल में महिलाओं, दास और अधर्मी व्यक्तियों को भाग लेने या खेल देखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी इनको अलाउ नहीं किया गया था। यूनान का किसी भी देश के साथ कुछ युद्ध या विवाद चल रहा है तो इन खेलों के समय पर वे सब बंद कर दिए जाते थे। 1591 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर ने ओलंपियन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी हेनरी VI, जिसमें उसने लिखा था प्रोमिस देम सच रिवार्ड्स एज विक्टर्स वियर्स एट द ओलंपियन गेम्स। तो इसमें पहली बार उसने ओलंपियन शब्द का यूज किया था। अब हम देख लेते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओलंपिक खेल को कराने में, किसी खेल को ओलंपिक में जोड़ने में या फिर उसको बार करने में, खेलों के लिए स्थान का चयन करने में, इन सब के लिए एक कमेटी की स्थापना की गई जिसका नाम था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में IOC बोल दिया जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। लेकिन एक्चुअल में जो ओलंपिक खेल की जो स्टार्टिंग हुई थी, ओलंपिक गेम जो शुरू हुए थे, इसके 2 साल बाद हुए थे, यानी कि पहला ओलंपिक गेम 1896 में शुरू हुआ था। पहला आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में एथेंस में आयोजित हुआ था, और इसमें केवल 9 ही इवेंट्स का आयोजन किया गया था। आधुनिक समर ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस के एथेंस शहर में हुई थी, और आधुनिक विंटर ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 25 जनवरी 1924 ईस्वी को
फ्रांस के चैमोनिक शहर में हुई थी। शुरुआत में तो ओलंपिक्स गेम हर 4 साल में होते थे, लेकिन 1994 ईस्वी के बाद ये जो है 2-2 साल में होने लगे। आधुनिक ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है जेम्स बी कैनोली, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से थे। ओलंपिक में यानी फर्स्ट ओलंपिक गेम्स में जो फर्स्ट मेडल जीता था उसका नाम था, उस खिलाड़ी का नाम था जेम्स बी कैनोली। 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। ओलंपिक ध्वज का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो 1920 ईस्वी में किया गया था। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ओलंपिक का जो फ्लैग है इसमें 5 रिंग बनी होती है और 5 रिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, और ये 5 रिंग जो है हमारे वर्ल्ड के अंदर जो 5 महाद्वीप है उनको दर्शाती है। इनका भी एक सीक्वेंस होता है, वो हम आगे देखेंगे। ओलंपिक फ्लेम एक मशाल है जिसकी शुरुआत 1928 में हुई थी, जिसे पहली बार अमस्टरडम ओलंपिक में प्रज्वलित किया गया था, और वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मशाल का आयोजन सतल तक ले जाने का प्रचलन आरंभ हुआ। 1928 में मशाल की शुरुआत हुई, और 1936 में जो है जिस शहर में जिस सिटी में ओलंपिक गेम्स खेले जाते थे वहां तक मशाल को हर देश से होते हुए पहुँचाया जाता था, जो अब तक चालू है। 1936 में पहली बार जो है बर्लिन ओलंपिक में टेलीविजन पर ओलंपिक का प्रसारण हुआ, और यह प्रसारण केवल वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ही था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है 1916, 1940 और 1944 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ था। म्यूनिक ओलंपिक 1972 ईस्वी में जो कि जर्मनी में खेला गया था, उसमें क्या कि कुछ चरमपंथियों ने इसराइल के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया था, इसलिए म्यूनिक ओलंपिक 1972 अब खेल के लिए नहीं बल्कि एक हमले के कारण ज़्यादा चर्चा में रहा था। म्यूनिक में इजरायली एथलीटों पर हुए चरमपंथी हमले में 11 एथलीट, 5 चरमपंथी जिन्होंने हमला किया था और एक पुलिस वाले की मौत हो गई थी। हादसे के दूसरे दिन मारे गए खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि देने के बाद ओलंपिक खेल को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इजरायल के अधिकारियों से बात करने के बाद इस ओलंपिक खेल को दोबारा शुरू किया। इजरायल जो है एशिया का एक छोटा सा कंट्री है जो कि बहुत ही पावरफुल कंट्री है, उसके आसपास जो है मुस्लिम देश है जो उस पर हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ये सब अरब कंट्री मिलकर भी उसको काबू में नहीं कर पाया है, तो इनका ये आपस में विवाद चलता रहता है। और इसका ये रिजल्ट था कि 1972 में कुछ चरमपंथियों ने इजराइल के खिलाड़ियों पर हमला किया था। अब देख लेते हैं 1980 में मॉस्को गेम हुए थे जो कि रूस में खेले गए थे। इस ओलंपिक में पहली बार ऐसे देश में ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे थे जो कम्युनिस्ट शासन के अधीन थे, यानी ये रशिया में गेम खेले जा रहे थे, और रशिया क्या है कम्युनिस्ट कंट्री है। अफगानिस्तान पर रशिया ने 1969 में अटैक किया था जिसका पूरे वर्ल्ड लेवल पे कई देशों ने आलोचना की थी, और उसके बाद जो है जब ये 1980 में ओलंपिक गेम रशिया के अंदर हुए तब कुछ देशों ने इस ओलंपिक गेम का बहिष्कार किया था। उसमें कौन से देश शामिल थे, उसमें अमेरिका और उसके पश्चिम के मित्र राष्ट्र जैसे कि जापान और जर्मनी ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में शिरकत करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हिसाब चुकता करने के लिए फिर सोवियत संघ ने 1984 ईस्वी में लॉस एंजलस ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया जो कि USA में हुआ था। रशिया और अमेरिका बीच में हमेशा से कोल्ड वार चलता हुआ आया है, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। ओलंपिक में अब तक 200 से ज़्यादा देश खेल चुके हैं, लेकिन केवल 5 देश जिसमें आ जाता है ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड, ये 5ों देश जो 1896 से लेकर अब तक सभी ओलंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया है। ओलंपिक गोल्ड मेडल जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था आखिरी बार 1912 में इसका यूज किया गया था, और उस टाइम पर इस मेडल का जो वजन था वो 24 ग्राम था, लेकिन आज के टाइम पर जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिए जाते हैं उनमें 100% प्योरिटी में से 1.2% प्योरिटी गोल्ड की होती है, और 92.5% प्योरिटी चांदी की होती है यानी सिल्वर की होती है। यानी पहले पूरा गोल्ड का बना होता था, लेकिन आज के टाइम में गोल्ड का केवल 6 ग्राम ही यूज किया जाता है और चांदी का 49 ग्राम यूज किया जाता है। ओलंपिक खेलों में किसी भी स्पर्धा में एक देश के अधिकतम 3 खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं। एक इवेंट में केवल 3 ही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाले घोड़े जो है बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं। ओलंपिक में जो भी घोड़ों से संबंधित जो भी स्पर्धा होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उनमें जो घोड़े भाग लेते हैं वो बिजनेस क्लास में आते हैं। उनके पास खुद के पासपोर्ट होते हैं, यानी उन घोड़ों के पासपोर्ट तैयार किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों के स्थानों का चयन करने में IOC विशेष रूप से एक देश की बजाय एक शहर को खेल के आयोजन का सम्मान देता है।
जैसे कि हम पीछे तमाम शहरों के नाम को खेलों के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं, जैसे कि बीजिंग ओलंपिक, रियो ओलंपिक, और जो अभी टोक्यो में जो गेम खेले जा रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, टोक्यो ओलंपिक। ओलंपिक के ध्वज में 5 छल्ले होते हैं, यानी 5 रिंग्स होती है, जो 5 महाद्वीपों को दर्शाती है, उस जिनमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशियाना, ओशियाना को ऑस्ट्रेलिया भी बोल दिया जाता है। ये जो रिंग आपस में जुड़ी होती है, जिनमें कलर का सिक्वेंस होता है, नीला, फिर उसके बाद पीला, फिर काला, फिर हरा और फिर लाल रंग। इन 5 रंगों को इसलिए चुना गया है क्योंकि इन 5 रंगों से कम एक रंग जो है हर देश के झंडे में आपको मिल जाएगा। इस झंडे को पेरेडी कोबर्टिन ने 1914 में तैयार किया था, लेकिन इसका पहली बार यूज किया गया था 1920 ईस्वी में। लंदन एकमात्र शहर है जहां पर 3 बार ओलंपिक हुए हैं, और वह कब कब हुए हैं, 1908, 1948 और 2012 में। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 4 बार ओलंपिक खेल खेले गए हैं, और ये चार ओलंपिक गेम 3 शहरों में हुए हैं, जिनका नाम है लुई 1904 में जो हुआ था, 1904 में खेला गया था, लॉस एंजलस 1932 और 1984 में खेला गया, और एटलांटा 1996 में खेला गया। अफ्रीका महाद्वीप में आज तक कोई भी ओलंपिक गेम नहीं हुआ। ओलंपिक इतिहास में पहली बार दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में ओलंपिक गेम खेला गया था, रियो ओलंपिक भी बोला जाता है, जो कि 2016 में हुआ था। समर ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जो है अमेरिका ने जीते हैं, जो लगभग कितनी है, 2522। और विंटर ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पदक जो है नॉर्वे ने जीते हैं, और वो कितने हैं, 329। अब तक केवल ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोनों ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं, उनके नाम है अमेरिका से एडी एगान, नॉर्वे से जैकब थुलिनथेम्स, जर्मनी से क्रिस्टा लुडिंग्स और कनाडा से क्लारा होगस। ओलंपिक खेलों में अब तक सबसे ज़्यादा पदक जो जीते हैं उस खिलाड़ी का नाम है माइकल फेलिप्स, जो कि अमेरिका से है, और इसका जो गेम है वो है स्विमिंग। उन्होंने 3 ओलंपिक में 28 मेडल जीते हैं। इन 28 मेडल में 23 तो गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है, जबकि 28 मेडल ही भारत ने आज तक ओलंपिक के इतिहास में जीते हैं। एक ओलंपिक में एक खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक 8 पदक जीतने का श्रेय भी माइकल फेलिप्स के नाम है, और उन्होंने ये कारनामा 2 बार किया है, कब कब, 2004 में और 2008 में। सबसे कम उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड जो है ग्रीक के डिमेट्रियस लोंड्रास के नाम है, उसने 1896 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और उस समय उसकी जो एज थी वो कितनी थी, 10 साल 218 दिन। अगर सबसे ज़्यादा उम्र की अगर हम बात करते हैं तो ओलंपिक मेडल में जीतने का जो रिकॉर्ड है वो स्वीडन के ऑस्कर स्वाहान के नाम है, जिन्होंने 1920 के ओलंपिक में 72 साल की उम्र में शूटिंग में रजत पदक जीता था। ओलंपिक खेलों की सूची में जो गेम अब निकाल दिए गए हैं उनमें उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जिसमें आ जाते हैं क्रिकेट, बास्क, पेलोटा, क्रोकवेट, जूडे, फ्यूम, लैक्रोस, पोलो, रैकेट, रोक, रग्बी यूनियन, रस्साकसी, जल, मोटर स्पोर्ट्स। ये सभी गेम जो है पहले ओलंपिक में खेले जाते थे, लेकिन अब जो है इनको ओलंपिक गेम से बाहर कर दिया है। अब हम देख लेते हैं ओलंपिक्स गेम में इंडिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंडिया ने 1896 से लेकर 2016 तक ओलंपिक खेलों में कुल मिलाकर 28 मेडल जीते हैं, जिनमें से 9 गोल्ड है, 12 ब्रोंज है और 7 सिल्वर मेडल है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भारत में आज तक कोई भी ओलंपिक खेल नहीं खेला गया है, और ना ही 2050 तक कोई भी ओलंपिक गेम इंडिया के अंदर होगा। ओलंपिक में हॉकी के अलावा भारत ने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता है, यानी 9 गोल्ड मेडल जो जीते हैं उनमें से 8 गोल्ड मेडल हॉकी में जीते हैं, और 1 मेडल उसने शूटिंग में जीता है, जो कि साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक की निशानेबाजी स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्तिगत इंडिविजुअल इवेंट का गोल्ड मेडल जीता है। भारत की तरफ से ओलंपिक खेलों में सबसे पहले 1900 में भाग लिया था, जिसमें भारत ने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। नॉर्मन पिचार्ड नाम का ये व्यक्ति था जिसने 1900 ईस्वी में भाग लिया था, और ये एंग्लो इंडियन था। इसने 2 इवेंट्स में भाग लिया था, एक 200 मीटर नॉर्मल रेस में और 200 मीटर बाधा दौड़ में, और दोनों में ही इसने सिल्वर मेडल जीता था। ओलंपिक इतिहासकार पिचार्ड के प्रदर्शन को भारत के पदकों में शामिल नहीं करते, वे नहीं मानते कि ये जो मेडल है ये भारत के है। ब्रिटेन भी इस चीज़ का दावा कर चुका है कि पिचार्ड ने ओलंपिक में इंग्लैंड की ओर से हिस्सा लिया था। हालांकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रिकॉर्ड में पिचार्ड के पेरिस में जीते गए दोनों मेडल जो है भारत के नाम पर दर्ज है। इसके बाद जो है भारत ने 20 वर्षों तक ओलंपिक की किसी भी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं लिया, यानी 2020 तक 1900 से लेकर 2020 तक भारत ने किसी भी ओलंपिक गेम में भाग नहीं लिया। लेकिन साल 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में, जो कि बेल्जियम में खेले गए थे,
समर ओलंपिक गेम में भारत ने दोबारा ओलंपिक में हिस्सा लिया, लेकिन उसमें उसको कोई भी पदक नहीं मिला। भारत ने पहली बार जो मेडल जीता था वो 1928 ईस्वी में जीता था, और ये गेम कहाँ पर हुए थे? अमस्टरडम में, और वो कहाँ पर है? हॉलैंड में। अगर नॉर्मन पिचार्ड के अलावा अगर हम बात करते हैं तो पहलवान सुशील कुमार ही अकेले ऐसे खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में इंडिविजुअल इवेंट में दो मेडल जीते हैं। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1948 में लंदन में जो ओलंपिक गेम खेले गए थे उसमें भारत ने इंग्लैंड को हॉकी के फाइनल में हराया था, वही इंग्लैंड जो एक साल पहले भारत पर राज करता था। भारत ओलंपिक में भाग लेने वाला एकमात्र ऐसा देश है जिसने हॉकी में 1936 से लेकर 1956 तक लगभग 20 साल तक लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे, और भारत ने इन 6 गोल्ड मेडल के साथ कुल 8 गोल्ड मेडल अब तक हॉकी में जीते हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और भारत ने पहली बार जो है इंडिविजुअल इवेंट में पहली बार जो पदक मिला था वो केडी जाधव को मिला था, जो कि कुश्ती के खेल में उन्होंने जीता था। भारत को फुटबॉल के खेल में कोई खास देश नहीं माना जाता, लेकिन 1956 को ओलंपिक हुए थे उसमें भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी और कांस्य पदक जीते जीते रह गई थी। ओलंपिक खेलों की एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धाओं के फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय एथलीट कौन था? मिल्खा सिंह, जिसने 1960 के रोम ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। भारत के लिए लिएंडर पेस 1996 के अटलांटा ओलंपिक में टेनिस की एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत चुके हैं, और उससे पहले जो है 1972 ईस्वी में उनके पिता भी ओलंपिक में हॉकी टीम में खेलते हुए कांस्य पदक जीता था। तो इस प्रकार से लिएंडर पेस और उसके पिताजी ने दोनों ने ही ओलंपिक में मेडल जीते हैं। भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में पदक के आधार पर अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें भारत की ओर से शूटर विजय कुमार और सुशील कुमार ने रजत पदक जीते थे, और मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने महिला फ्लाईवेट में, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पहलवान योगेश्वर दत्त ने और निशानेबाज गगन नारंग ने 4 कांस्य पदक जीते थे। तो कुल मिलाकर 6 पदक जो है भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक गेम में जीते थे, और जो कि अब तक का भारत का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। उसके बाद जो 2016 में रियो ओलंपिक हुए थे उसमें भारत का प्रदर्शन निराशजनक रहा, क्योंकि उसमें सिर्फ भारत को 2 ही पदक मिले, और वह 2 मेडल किसने जीते थे? जिसमें बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था और पहलवान साक्षी ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो ये 2 मेडल 2016 के रियो ओलंपिक में मिले थे। अब हम बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में, जो कि 2020 में होने थे, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए इनको एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, और ये अब 2021 में खेले जा रहे हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो आधिकारिक तौर पर 32वां ओलंपिक गेम है, इसका आयोजन 2020 में होना था, जो कि 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2020 तक होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए इसको एक साल के लिए टाल दिया गया था, जो अब खेला जा रहा है, जिसका जो शुरुआत 23 जुलाई को हो चुकी है और ये 8 अगस्त तक चलेगा। 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करने वाला टोक्यो जो है एशिया का पहला शहर है। टोक्यो ओलंपिक को 32वां ओलंपिक गेम कहा जाता है, क्योंकि वे 3 ओलंपिक गेम्स जो 2 विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए थे, कब नहीं हुए थे? 1914 में, 1940 में और 1944 में, उन गेमों को भी ओलंपिक गेम्स की गिनती में काउंट किया जाता है। इसलिए जो टोक्यो ओलंपिक है वो 32वां ओलंपिक गेम है, लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं तो अभी तक केवल 28 ओलंपिक खेल ही आयोजित हुए हैं। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में रिकॉर्ड 23 खेल खेले जाएंगे, जिसमें 339 इवेंट्स होंगे। इस बार जो है खेलों के इस महाकुंभ में 5 नए खेल शामिल किए गए, जिसमें 5 खेल कौन कौन से है? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। अब की बार जो टोक्यो ओलंपिक के लिए लगभग 5,000 मेडल तैयार किए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के बाद खिलाड़ी जो है खुद को सम्मानित करेगा, वो खुद ही पदक को गले में डालेगा। ओलंपिक के दौरान गले लगने में और हाथ मिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि कोरोना संक्रमण से बचा रहे। कोविड-19 से प्रभावित होने वाली टीम अगर फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाती, जो टीम फाइनल में पहुंच जाती है और फाइनल से पहले वो कोरोना संक्रमित हो जाती है, तो वो फाइनल मैच नहीं खेल सकेगी। उसकी जगह जो है जो टीम उससे सेमीफाइनल में हारी थी वो उस टीम को फाइनल खेलने का मौका मिलेगा। 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें जो है कुल खेलों की संख्या 28 थी, जो कि अब कितनी हो चुकी है? 33, जिसमें 3 नए गेम शामिल किए गए हैं, बेसबॉल, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, खेल चढ़ाई यानी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे।
सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि रशिया जो है लंबे समय से डोपिंग विवाद में फंसा हुआ है, जिसके कारण अब की बार जब वो टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेगा तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसलिए मेडल सेरेमनी में किसी भी पोडियम के ऊपर रशिया का झंडा नजर नहीं आएगा। इस बार जो है रूस का नाम क्या होगा, रूस ओलंपिक समिति, वहाँ पर ROC लिखा होगा, रशियन ओलंपिक समिति यानी रशियन ओलंपिक कमेटी। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत से 127 खिलाड़ियों ने अब की बार हिस्सा लिया है, जो कि भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा दल है। इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक संघ और केंद्रीय खेल मंत्रालय को भारत से दोहरे पदक लाने की उम्मीद है और हम भी दुआ करते हैं कि भारत अब की बार कम से कम 10 मेडल जीत कर आए। तो दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो बनाकर आपको दिखा दी जाए, ताकि आपका भी इंटरेस्ट ओलंपिक खेलों में बन सके। तो ये वीडियो जो है जनरल नॉलेज के साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगी, इनमें से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको कुछ जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल JK एजुकॉर्ड को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ, करंट अफेयर से जुड़ी कोई भी वीडियो अगर मैं लेकर आऊँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलना भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। खेलने से ही तन स्वस्थ रहता है, मन विकसित होता है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।